दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पावर प्लांट अड्डा पे। तो आज हम बात करने वाले हैं ड्रम इंटरनल्स के ऊपर, देखेंगे कि ड्रम के अंदर कौन कौन से इंटरनल्स होते हैं और समझेंगे उसके बारे में। तो बात करते हैं ड्रम इंटरनल्स के ऊपर, देखते हैं कौन कौन से ड्रम इंटरनल लगे होते हैं ड्रम के अंदर। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं, ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये है डाउन कवर, ठीक ना। और ये जो आपको प्लस वाला साइन दिख रहा है ये वोल्टेक्स फ्लो को ब्रेक करने के लिए होता है, ताकि आपका जो वाटर सर्कुलेट होगा डाउन कवर से रिंग हेडर में, ठीक ना, तो उसमें वो अपने साथ स्टीम लेके वापस ना जाए। ओके, तो ये वोल्टेक्स फ्लो को ब्रेक करने के लिए होता है। ओके, एक ये डाउन कवर इस साइड में है, एक अगली साइड में, नेक्स्ट साइड में मैं दिखाऊंगा आपको अभी। ओके, और ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये फीड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइप है, ठीक ना। कौन सी पाइप है? फीड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइप, ठीक ना। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी होल्स होती हैं, ठीक ना। तो आपको दिखाता हूँ मैं कौन, ये देखिए, ये जो होल्स दिख रहे हैं आपको, बहुत सारे इसमें होल्स मिलेंगे, ठीक ना। ये देखिए, ये फीड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइप है। ओके, जो हम मतलब जो हमारा फीड वाटर आएगा आपका बॉयलर फीड पंप से, वो इकोनोमाइजर से होते हुए इसी पाइप के थ्रू ड्रम में आता है। ओके, तो हम इसको डायरेक्ट ड्रम में इसलिए नहीं डालते हैं, क्योंकि उसमें क्या होगा ना आपका, कि अगर डायरेक्ट हम ड्रम में डाल देंगे तो क्या रहेगा कि एक तो आपका पानी का जो प्रेशर है काफ़ी ज़्यादा है, ठीक ना। तो एक बार मतलब आके एक तरह से बोल सकते हैं कि एक साथ नहीं, हम इसलिए छोड़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पाइप इसलिए लगाते हैं क्योंकि आपके पानी का जो लेवल है वो उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, ठीक ना। इसीलिए हम डिस्ट्रीब्यूशन पाइप की हेल्प से इसको ड्रम में छोड़ते हैं। ओके, ताकि जो लेवल में जो पानी का लेवल उसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा ना हो। ओके, तो इसीलिए हम ये डिस्ट्रीब्यूशन पाइप लगा रखे हैं और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे होल्स हैं। ओके, मैं आपको दूसरे साइड का भी डाउन कमर दिखा देता हूँ अभी आपको। ये देखिए, ये दूसरे साइड का डाउन कमर है, इसमें भी आपका वोल्टेक्स फ्लो ब्रेकर लगा हुआ है, इसको वोल्टेक्स फ्लो ब्रेकर बोलते हैं। ओके, अब मैं आपको स्टीम सेपरेटर दिखाता हूँ, डिमिस्टर पैड जिसको बोलते हैं, डिमिस्टर पैड बोल लीजिए, फिर स्टीम सेपरेटर बोल लीजिए। ये देखिए, अब देख सकते हैं ये बहुत सारी इसमें जालियाँ हैं। ओके, ये क्या है, स्टीम सेपरेट करता है, ठीक ना, स्टीम सेपरेटर है। ओके, क्या करता है, जो स्टीम एंड वाटर का जो मिक्सचर है उसको सेपरेट करता है। जो हमारा स्टीम है वो क्या है कि बाई वेट वो तो बहुत हल्का होता है, ठीक ना, तो क्या करता है वो ऊपर उठने की कोशिश करता है, और उसके साथ ही साथ क्या होता है, वाटर भी ऊपर उठने की कोशिश करता है। तो वाटर क्या होता है, यहाँ पे टकराने के बाद यहाँ पे जो ऊपर जाएगा तो इस जो जाली लगी हुई जो डिमिस्टर पैड है इसमें जाके वो टकराएगा, और उसके बाद फिर वो वाटर नीचे गिर जाता है और जो स्टीम है यहाँ से निकल के बाहर चली जाती है, ठीक ना। और इधर साइड में आप देखेंगे तो ये बैफल प्लेट्स लगे हुए हैं, ठीक ना। बैफल प्लेट्स ये क्या है, जो हमारे राइजर ट्यूब्स आ रहे हैं, राइजर ट्यूब्स के पानी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, तो बैफल प्लेट्स हम इसलिए लगाते हैं कि सेम जैसे हम फीड वाटर का पानी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वैसे ही हमारा जो राइजर ट्यूब्स होते हैं, राइजर ट्यूब से जो वाटर स्टीम का मिक्सचर आता है उसको भी हम एक साथ एक जगह पे ड्रम में नहीं छोड़ सकते, ठीक ना, क्योंकि वापस से वो लेवल में फ्लक्चुएशन करेगा, ठीक ना। इसीलिए क्या करते हैं कि हमने बैफल प्लेट्स लगाए, आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे छोटे छोटे होल्स हैं, इनके थ्रू क्या करता है ये ड्रम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, आप देख लीजिए, बैफल प्लेट्स के इनसाइड में दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, आपको ये होल दिख रहा होगा, ठीक है ना, ये हमारा राइजर ट्यूब का होल है, वहाँ से पानी आएगा और बाहर आपका बैफल प्लेट्स लगा हुआ है। ओके, यहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ड्रम में। और ये देखिए, ये आपका आईबीडी का है, वो है ड्रम में, जो आईबीडी सीबीडी होता है ये आईबीडी का है, और ये जो है हमारा सीबीडी की लाइन है, ठीक ना, किसकी है, सीबीडी की है, और ये जो दूसरी दिखाई थी मैंने वो आईबीडी की लाइन है। ओके, तो देख सकते हैं आप कैसा है ड्रम के इनसाइड व्यू। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।